दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें बाजार से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है और साथ ही साथ किन शेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं और यहां पर अपने पोर्टफोलियो को और यहां पर स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं उन शेयर्स के बारे में जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है और साथ ही साथ बाजार से रिलेटेड क्या पांच बड़ी अपडेट्स को आप यहां पर फोकस में रखते हुए चल सकते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले यूएस बॉन्ड यील्ड्स के अंदर जो आपको तेजी देखने को मिल रही है, कह सकते हैं कि मार्केट के ऊपर आपको एक इसका प्रेशर बनते हुए देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ FIA और DII जो कि लास्ट वीक हमें यहाँ पर बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें यहाँ पर हमें लास्ट वीक के अंदर करेक्शंस भी देखने को मिले हैं मार्केट में, जिस कारण से यदि आपने बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रखा है यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर अगर करेक्शंस होते हैं तो इस गिरावट का आप बेनिफिट उठाकर चल सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है यहां पर आपको टोटल 700 कंपनियों के रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करें 20 ऐसी कंपनियां जो निफ्टी 50 के अंदर आपको देखने को मिलती है तो उनके रिजल्ट पर भी मार्केट बहुत ज्यादा यहां पर वॉलेटाइल आपको देखने को मिल सकता है। जिसमें अगर मेनली बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, L&T, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, साथ ही साथ बजाज ऑटो, श्री सीमेंट, BPCL, इंदुसिन बैंक और डॉक्टर रेडी स्लेब, साथ ही साथ सिप्ला एंड UPL, ये वो कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर आपको देखने को मिलती है और इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर मार्केट यहां पर रिएक्ट कर सकता है। तो यदि आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इन शेयर्स के जो निफ्टी 50 के 20 दिग्गज शेयर्स हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट पर यानी कि इनके अर्निंग्स पर आप फोकस करते हुए चल सकते हैं। अगर इनके अर्निंग्स बहुत शानदार निकल कर आती है तो डेफिनेटली मार्केट इसे एक्सेप्ट करेगा और यहां पर आपको मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही इसी साथ यहां पर हमें इन निफ्टी 50 की 20 कंपनियों के अलावा कुछ और कंपनियों के भी रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मेनली अगर बात करें तो लुपिन, आदित्य बिरला सन लाइफ, AMC, कोलगेट के ये रिजल्ट यहां पर, कॉफर्स के, CSB बैंक के, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, इंदुस टावर्स, कैनरा बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस, पंजाब नेशनल बैंक, जी इंटरटेनमेंट, कार्ट्रेड टेक, DLF, ब्लू स्टार और साथ ही साथ यहां पर मेनली जो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो है SBI कार्ड के ऊपर, क्योंकि यहां पर आपको फंड रेजिंग से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टाटा पावर ने भी अपने शेयर होल्डर्स को काफी शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और 28 अक्टूबर के दिन आपको टाटा पावर के भी फाइनेंशियल रिजल्ट यहां पर आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अडानी पावर पर भी आप फोकस करते हुए चल सकते हैं क्योंकि अडानी पावर के भी फाइनेंशियल रिजल्ट आपको 29 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाले हैं। इन्हीं सबके साथ में अपोलो टायर्स, बंधन बैंक, केडिला हेल्थ केयर, एस्कॉर्ट्स, एक्साइड इंडस्ट्री, गेल इंडिया, ओबरॉय, वेदांता, वोल्टास, रोजरी बायोटेक के नंबर्स भी यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कंपनियां हैं, कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा नेक्स्ट वीक में फोकस करते हुए चल सकते हैं और अगर यहां पर रिजल्ट अच्छे आते हैं और अगर इन शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो लॉन्ग टर्म पर्पस से आप उस प्रॉफिट बुकिंग या यानी कि उस करेक्शंस का बेनिफिट उठा सकते हैं और यहां पर अपने पोर्टफोलियो में इन शेयर्स को ऐड करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड निकल कर आ रही है वो है वैक्सीनेशन एंड कोरोना वायरस के केसेस। जैसा कि आपको पता है वैक्सीनेशन की प्रोसेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही है, साथ ही साथ इंडिया ने एक रिकॉर्ड भी यहां पर क्रिएट कर दिया है जिसमें 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के हाथ यहां पर हमें लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक मार्केट को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। डेली बेसिस पर जो कोरोना के केसेस हैं वो भी हमें यहाँ पर लगभग 20,000 पर डे से बिलो जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अनदर प्लस पॉइंट फेस्टिवल सीजन के अंदर हमें ये आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो वापिस हमें राइज होते हुए यूनाइटेड किंगडम और बीजिंग में देखने को मिल रहा है, जिसका प्रेशर आपको अगर ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलता है तो कह सकते हैं उसके कारण आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस रहने वाला है वो FII और DII पर रहने वाला है, क्योंकि FII और DII जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया लास्ट वीक हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है, जिसमें FII ने
लगभग 4,253 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं अगर DII की बात करें यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की, तो लगभग 4,504 करोड़ रुपए की यहां पर DII की तरफ से बिकवाली करी है। तो ये दोनों ही अभी हमें बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से लास्ट वीक हमें मार्केट के ऊपर एक प्रेशर भी आते हुए देखने को मिला था। तो यहां पर कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, अगर यहां पर हमें FII और DII की तरफ से अगर यहां पर कुछ न्यू फ्रेश बाइंग आते हुए देखने को मिलती है, अगर ये मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो यहां पर आपको काफी शानदार रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर भी हमें बिकवाली देखने को मिलती है, तो यहां पर आपको मार्केट के अंदर करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो आप FII और DII के डाटा पर भी बहुत ज्यादा यहां पर फोकस रख सकते हैं। अब आपको यहां पर कैसे इन अपडेट्स को आप यहां पर डेली बेसिस पर कवर कर सकते हैं, तो आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कंटिन्यूअसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस के अंदर हमें लास्ट वीक नया पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हाई देखने को मिल चुका है। और इस कारण से आपको कुछ कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट पर भी यहां पर प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ शेयर प्राइस के ऊपर भी आपको यहां पर करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जिसमें अगर मेनली बात करें जो कि डायरेक्ट ऑयल के प्राइजेस से कनेक्ट यहां पर कंपनियां हैं, जिसमें अगर मेनली एशियन पेंट्स की बात करें, तो एशियन पेंट्स के अंदर भी हमें लास्ट वीक करेक्शंस देखने को मिले हैं। और इसी कारण यानी कि ऑयल के प्राइजेस के बढ़ते हुए के कारण ही यहां पर हमें इतने बड़े करेक्शंस देखने को मिले हैं। अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि IPO का सीजन आपको देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आपको पारस डिफेंस का IPO देखने को मिला था, जिसमें काफ़ी शानदार लिस्टिंग गेन यहाँ पर शेयर होल्डर्स को मिला है। साथ ही साथ IPO की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक यानी कि कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमें दो और नए IPO आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नायका का IPO और फिनो पेमेंट्स का IPO आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। नायका के IPO की बात करें तो 28 अक्टूबर से आपको नायका का IPO ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। 1 नवंबर तक यह IPO ओपन रहने वाला है। और यहां पर कंपनी यानी कि नायका लगभग 5,351 करोड़ रुपए की अपने IPO के थ्रू फंड रेजिंग करने का यहां पर प्लान कर रही है। साथ ही साथ यहां पर अगर प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 1,085 रुपए से 1,125 रुपए पर इक्विटी शेयर्स की यहां पर नायका की तरफ से प्राइस बैंड फिक्स करी गई है। वहीं अगर फिनो पेमेंटेक प्रोमोटेड फिनो पेमेंट्स के बैंक की भी IPO की अगर बात करी जाए तो 29 अक्टूबर से आपको ये IPO स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, जो कि 2 नवंबर तक आपको यहां पर करंटली रन होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के बारे में जो यहां पर नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाली है, जिसमें यहां पर आप कंपनियों के नाम देख सकते हैं। राज रायो ग्रीन इंडस्ट्री लिमिटेड, जहां पर आपको कैपिटल रिडक्शन देखने को मिलने वाली है। और इसकी एक्स डेट की बात करें तो 25 अक्टूबर के दिन आपको ये कैपिटल रिडक्शन देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इंफोसिस लिमिटेड, जहां पर इंफोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उसकी अगर यहां पर रिकॉर्ड डेट की बात करें यानी कि एक्स डेट की, तो 26 अक्टूबर 2021 हमें इंफोसिस के इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के अंदर आपको 1:1 का बोनस और साथ ही साथ स्प्लिट यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट उठाकर आप यहां पर इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोदावरी पावर के भी बोनस और स्प्लिट की जो एक्स डेट की बात करें तो 26 अक्टूबर 2021 इन शेयर्स की स्प्लिट डेट और बोनस की एक्स डेट यहां पर फिक्स करी गई है। सबके साथ में दो और शेयर्स के अंदर आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है, जिसमें मेनली बात करें इंडो नेशनल लिमिटेड की और IRCTC की यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, जहां पर आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। अगर इनकी भी स्प्लिट की एक्स डेट की बात करी जाए तो दोनों ही कंपनियों की जो स्प्लिट की एक्स डेट यहां पर फिक्स करी गई है वो 28 अक्टूबर 2021 फिक्स करी गई है। साथ ही साथ यहां पर आप बैंकिंग शेयर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रख सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग शेयर्स भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में यहां पर रहने वाले हैं, जिसमें मेनली ICICI बैंक के आपको Q2 के रिजल्ट यहां पर देखने को मिल चुके हैं। रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, तो यहां पर आप ICICI बैंक को भी अपने वॉच लिस्ट में एड करते हुए चल सकते हैं। HDFC बैंक को भी आप यहां पर रडार में रख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप इस शेयर्स के ऊपर फोकस रख सकते हैं। यस बैंक लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने रिसेंटली अपने Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। एक्सिस बैंक को भी आप यहां पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक रिपोर्ट्स के अनुसार यानी कि जाने माने ब्रोकरेज मजहर मोहम्मद की तरफ से यहां पर निफ्टी 50 के अंदर आपको लगभग 10-15% के करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर अगर गिरावट होती है मार्केट में तो आप यहां पर जो स्ट्रांग शेयर्स है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, उनको अपने
पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से एड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।